अच्छा तो ये मायावी नागराज है, इसीलिए इसका नाम पंचभन है। तो घातक विष उगल रहा है। इसके विष का इतना प्रभाव, तुम बनोगे मेरे मृत्युदाता, उचित है, देखते हैं। अरे मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ कहाँ देख रहे हो? अरे यहाँ पर मैं यहाँ। तुम्हारे नेत्र खराब हो गए हैं, मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ पंचभन, शिथिल हो गए हो? थोड़ा विश्राम कर लो। और प्रयास करो। ये पंचभन को क्या हो गया, तू हार क्यों रहा? ये तो आप पांचों फन से विष उगल रहा है। युवराज पांच फन वाले भयानक नाग से लड़ रहे हैं, मुझे शीघ्र महाराज को सूचित करना चाहिए। ये पांच फन वाला भयानक नाग कहां से आ गया सुमेरु में? हो सकता है इसी ने नदी के जल को विषैला किया। कहीं कोई आसुरी माया या शक्ति तो नहीं है वो? हो सकता है मंत्री जी। सैनिकों को शीघ्र लेकर चलिए। जी महाराज। सेवक तुम जाकर महारानी को सूचित करो। चलिए 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 महाराज। विष, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे विष से मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
शत्रुओं पर आक्रमण करे, मुझे कुछ करना ही होगा। पंचपन, अब तुम्हें दंड देना ही होगा। भाग रहा है। पंचपन, कहाँ गया पंचपन? हनुमान, युवराज, हनुमान, युवराज, पुत्र हनुमान, तुम कुशल तो हो? कहाँ गया वो भयानक नाग? पिताश्री, वो नाग तो पहले ही भाग गया। उसने ही पूरी नदी में विष फैलाया था। कहाँ जा सकता है? मंत्री जी, कहाँ गया होगा वो भयानक नाग? महाराज, ये कहना तो कठिन होगा। वो मायावी नाग अपने घातक विष से यदि पूरी नदी को विषाक्त कर सकता है, तो कहीं भी अपना विष फैलाकर महाविनाश फैला सकता है। हमें उसे शीघ्र पकड़ना होगा। अधिक दूर नहीं गया होगा वो। हाँ महाराज, हमें शीघ्र ही उस नाग को ढूंढना होगा। हाँ, हम सब अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर उस नाग को ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इन बालकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। सैनिक जी महाराज, इन बालकों को शीघ्र लेकर राजभवन जाओ। जी महाराज। और सचेत रहना, वो नाग कहीं भी छिपा हो सकता है। जी महाराज। हाँ मित्रों, तुम सब भवन जाओ। मंत्री जी, आप हनुमान और दो सैनिकों को लेकर उस दिशा में जाइए। जी महाराज। और दो सैनिक इस दिशा में जाइए। आप और अन्य सैनिक मेरे साथ उस दिशा में आइए। जिसे भी वो नाग दिखेगा, वो एक सांकेतिक ध्वनि करेगा। हम सब वहां साथ पहुंचकर उसके विरुद्ध लड़ेंगे। जी महाराज। चलिए। जी महाराज। आइए युवराज। चलिए। आइए। चलिए। चलो सैनिकों, चलो। कार्य करने का समय आ गया है। अब तुम सब भी विष फैलाने योग्य हो गए हो। जाओ और सारे सुमेरु वासियों को विषाक्त कर दो। अधीन बना दो मेरा। हनुमान के परिवार के सभी सदस्यों को भी विषैला कर दो। जाओ। अब शीघ्र ही हनुमान के अपने भी हो जाएंगे विषाक्त। अब तुम किस किस से लड़ोगे हनुमान? अब आएगा आनंद। बलबला बलबल पंचफन, बलबला बलबल। हनुमान के जिन मित्रों पर विष गिरा था, उन सबको राजभवन भेजा गया है। अब तुम उनसे वहाँ अपने कार्य करा सकते हो। बलबला बलबल। क्या आसुरी नाग पांच पन वाला? हाँ, हनुमान के मित्र बहुत भयभीत दिखाई दे रहे हैं अंजना। इस स्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। माँ, आप इन्हें हनुमान के कक्ष में ले जाइए। मैं इनके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आओ बच्चों।
अवश्य ही यहीं कहीं छिपा होगा वो। ढूंढो उसे, वो जहां कहीं भी हो बच के नहीं जाना चाहिए। पकड़ो उसे, चलो। सब सावधान रहना, वो बहुत चालाक है, कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। ये देखिए महाराज, एक ओर से कुचली हुई घास, नाग अवश्य ही इसी दिशा में गया होगा। देखते हैं कहां छुपा बैठा है वो, चलो देखते हैं। चलिए महाराज। सर्प की गंध आ रही है मुझे, वो यहीं कहीं होना चाहिए महाराज। ए मायावी नाग, कहां छिपा है तू? यदि साहस है तो सामने आओ और युद्ध कर। महाराज वो यही कहीं है, बच नहीं सकता वो, चलो। इस तरह ढूंढने से तो अच्छा है कि एक सैनिक वृक्ष पर चढ़कर देखे, तो हम एक बार में दूर तक का पता लगा सकते हैं। अरे युवराज आप नहीं, मैंने कहा कोई सैनिक। कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं शीघ्रता से चढ़ सकता हूँ। मंत्री जी। हाँ? उस दिशा में कुछ हलचल हो रही है। अभी तो आप इन सब लोगों को लेकर कहां जा रहे हैं? पंचफन नाम का एक भयानक सांप इस वन में घूम रहा है और आप सब लोग संकट में पड़ सकते हैं। चलिए आइए आप सब लोग मेरे साथ आइए। इस ओर आइए। उचित समय है आक्रमण करने का। हाँ
अब तुम सबको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजभवन में हो तुम सब। इस तरफ अवश्य हो सकता है वो विषैला नाग। आइए मंत्री जी। सब ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? तुम सब लोग रुक क्यों गए? इनके नेत्र तो सर्प जैसे दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही ये पंचफन के विष का प्रभाव है, अर्थात पंचफन के विष से इनकी मृत्यु नहीं हुई अपितु ये उसके अधीन हो गए और अब उसका विष ये अन्य लोगों में फैला रहे हैं। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पांच फनों वाला मायावी नाग घूम रहा है, तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे पता है वो इस समय कहाँ होगा। तुम जानते हो कहाँ है वो? शीघ्र ही बताओ। आइए मेरे साथ। चलो सैनिकों। रुक जाओ पंचफन, तुम्हारी सच्चाई हमें मालूम चल चुकी है। कहां जा रहे हो? सैनिक, मेरी गदा लाओ।
ये विष के प्रभाव में है, इसीलिए मुझ पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है। किंतु ये मेरे प्रजाजन हैं, इसीलिए मैं इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता हूँ। क्या करूं? पहले तो मुझे इन सब के बीच से निकलना होगा। क्षमा कीजिएगा, मेरे पास कोई और उपाय नहीं था आप सबको रोकने का। अगर मैं आप सबको यहाँ पर नहीं बांधता तो अन्य नगरवासी भी संकट में पड़ जाते। अब आप सब यहीं रहिए, मैं आपके उपचार की व्यवस्था करता हूँ। इनके नेत्र पहले ऐसे नहीं थे, विषाक्त होने के कारण ऐसा हुआ है। मेरे मित्र भी ऐसे हो गए थे। बचपन में उलझे रहने के कारण मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाया। मैंने तो उन्हें राजभवन अर्थात राजभवन में भी संकट आ सकता है, मेरी माँ और नानी पर भी। मुझे वहां पर जाना ही होगा। अरे ये तो मेरे जैसे ही दिख रहे हैं। पंचपन की आज्ञा माननी होगी, इन्हें छुड़ाना होगा। तुम सब कुछ खा पी लो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और भय भी दूर हो जाए। ये कुछ असामान्य से क्यों लग रहे हैं? हो सकता है नाग का भय अब तक इनके मन से गया नहीं।
क्या हुआ तुम सबको? करेगी तेरा अंत। पंचफन के विष का प्रभाव इन्हें रोकना होगा। उचित नहीं कर रहे हो पंचपन, अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहे हो। माँ, आप हनुमान के मित्रों के साथ यहाँ? कुछ विशेष बात है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? अब होगा सब ठीक। माँ, माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ, ये हनुमान के मित्र वन से आए हैं, लगता है उस नाग ने इन्हें विषाक्त कर दिया है। जब आए थे तो असामान्य लग रहे थे, पर माँ को इन बालकों ने, अवश्य ही माँ भी विष के प्रभाव में ही है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा ये मुझे भी। माँ को कैसे रोकूं? इन्हें चोट लग गई तो? रुक जाइए नानी। आप विष के प्रभाव में हैं। आप माँ के पास मत आइए। पंच फन का धन प्रभाव नानी को भी किया विषाक्त, माँ की रक्षा हेतु हनुमत आए जब हुआ। अब चलिए यहाँ से। ज्ञात ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ आइए।
अब तुम सब मेरे वश में हो। और केसरी, शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र भी मेरे वश में होगा और तब दया करूंगा मैं तुम दोनों पर। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें, मुक्त कर दूंगा इस संसार से, अंत कर दूंगा मैं तुम दोनों पिता पुत्र का। प्रतिबल लेकर आता ही होगा हनुमान को, तुम दोनों का अंत, उसके बाद सुमेरु का अंत तो मेरे दास ही कर देंगे। यही तो मेरा परम लक्ष्य है। नानी माँ विषाक्त हो गई और तुम्हारे सभी मित्र, उनको ज्ञात ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यदि उन्होंने नानी माँ को कोई क्षति पहुंचाई तो। माँ, वे नानी को कुछ नहीं करेंगे और आप भी चिंता मत करिए। हमारे राजवैद्य जी मेरे मित्रों का उपचार भी कर देंगे और नानी भी स्वस्थ हो जाएंगी। हनुमान पुत्र, तुमने मेरी रक्षा की, अपनी माँ के प्राण बचाए। नानी की चिंता है तुम्हें और तुम अपने मित्रों को स्वस्थ करने की सोच रहे हो। अब सच में लगता है कि तुम बड़े हो गए। ये सब आपकी दी हुई सीख और आपके द्वारा दिए हुए संस्कार के कारण ही संभव हो पाया है। माँ, यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, बस आप मुझे छोड़कर मत जाना। माँ, ये सब जो हो रहा है ना, उस पंचफन नाग का किया हुआ है। ना जाने क्यों वो हमारे सुमेरु का विनाश करना चाहता है। हमारे सुमेरु राज्य की सुख समृद्धि देखकर ही तो सब इस पर बुरी दृष्टि डालते हैं। किंतु मैं युवराज हूँ यहाँ का। मेरा कर्तव्य है राज्य की रक्षा करना। किंतु ये तो बताओ, वन में क्या हो? माँ, पिताश्री कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही गए थे। बुल बुल बुल। बुल बुल। बुल 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 बुल। बुल 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 बुल। बुल 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 बुल। ओहो अतिबल, सिर्फ बलबल करते रहोगे या आगे कुछ बताओगे भी कि तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, कैसे को वो पंचफल? नाग, क्या हुआ पिताश्री को? वो महाराज को उठा कर ले गया। बलबला बलबल, महाराज को भी विषाक्त कर दिया उस पंचफल ने। भगवान, ये क्या हो गया? क्या करूं मैं? मैं करूंगा माँ, मैं लाऊंगा पिताश्री को सुरक्षित। हाँ।
मां पुत्र, अब तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजयी भव। हाँ हनुमान, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है हनुमान, वो पंचफन नाग महाराज को कहां लेकर गया है। चलो चलो मेरे साथ आओ। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई चलो अति बल। चलो शीघ्र चलो हनुमान, अति शीघ्र। वहां तुम्हारे पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो चलो। सब क्या हो रहा है महारानी जी?
महारानी जी, हमारी यहाँ मान्यता है कि दोनों हाथों पर दिया जलाकर आज के दिन शिव जी की पूजा करेंगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज क्यों, आज क्या है ऐसा? आज पूर्णिमा है महारानी जी। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मुझे लौटना होगा हे ईश्वर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही, किंतु यदि आज एक इच्छा पूरी हो सकती है तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे स्वामी सुरक्षित हो, सुमेरु के सारे लोग स्वस्थ हो जाए। मैं यहाँ से जाने की पीड़ा सह लूंगी प्रभु, किंतु मेरे युवराज की सुरक्षा कीजिए। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पंच फन, पांच फन वाला मायावी नाग, पांच नाग मणिया जिसकी आसुरी शक्ति का स्तोत्र है, जिसके पांच फनों से उत्सर्जित विष मनुष्य के मस्तिष्क को विकृत करके उसे अपना दास बना लेता, और यदि वो चाहे तो उसके प्राण ले सकता, उसे कंकाल बना सकता, उसे भस्म कर सकता। उसे लंकेश रावण ने सुमेरु भेजा हनुमान और सुमेरु वासियों का विनाश करने के लिए, और उसने आते ही अपनी विनाश लीला आरंभ कर दी। नदी के जल को विषैला कर दिया, मुखिया और सुमेरु वासियों को विषाक्त करके अपना दास बना लिया। तब सुमेरु वासियों को जल उपलब्ध कराने के लिए हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति से कुआं बना दिया। इधर अंजना चिंतित थी। आज इंद्र ने अंजना को केवल पूर्णिमा तक का समय दिया था, उसके पश्चात अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस स्वर्ग लोक लौटना था। पंचपन ने अतिबल को भेजकर हनुमान को बुलवा तो लिया, किंतु पंचपन को हनुमान की शक्तियों का अनुमान नहीं था। हनुमान की वज्र समान देह पर पंचपन के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और अंततः उसे अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। किंतु इस युद्ध में हनुमान के मित्र विष के प्रभाव में आ गए, और उधर महाराज केसरी अपने सेनापति और अन्य सैनिकों के साथ पंचफन को ढूंढने निकल पड़े। इधर पंचफन ने भी विषाक्त हुए सुमेरु वासियों को आक्रमण के लिए भेज दिया। देखते ही देखते विषाक्त हुए सुमेरु वासियों ने उन सब पर आक्रमण करके उनको भी विषाक्त कर दिया। हनुमान ने कुछ गांव वासियों को तो बांध दिया, किंतु महाराज केसरी व अन्य को पंचफन ने अपने विष के प्रभाव से अपना दास बना लिया। हनुमान के विषाक्त हुए मित्रों ने नानी को भी विषाक्त कर दिया, उन सब ने अंजना पर भी आक्रमण कर दिया, किंतु हनुमान ने अपनी मां को बचा लिया। पंचफन ने पुनः चाल खेली और अतिबल को कहकर महाराज केसरी के बहाने हनुमान को पुनः बुलाया। प्रभु, इस पंचफन ने तो भयानक विनाश लीला मचा रखी थी। हां प्रिय, इस बार हनुमान के विरुद्ध उसने बहुत भयंकर व्यूह रचना बना रखी थी। जिस जाल में हनुमान को उलझाना था उसकी कल्पना तो स्वयं हनुमान ने भी नहीं की थी, किंतु इसी महालीला से ही हनुमान का महाकल्याणकारी नाग मेखला अवतार हुआ। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
वाह अतिबल वाह, हनुमान को मेरे चंगुल में ले ही आए। बल बला बल बल, अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान। क्यों धक्का लगा सुनकर? हाँ अतिबल मेरे साथ मिला हुआ है। धक्का? नहीं तो, मुझे तो पहले ही ज्ञात हो चुका था कि ये अतिबल तुम्हारे साथ है। हनुमान न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने, इसे छोड़ना मत, दंडित करो, दंडित करो इसे। अतिबल को इतना कुछ कैसे ज्ञात है इसके बारे में? भ्रम हुआ है तुम्हें पंचफन, अतिबल मुझे यहाँ नहीं लाया है, मैं अपनी इच्छा से आया हूँ यहाँ पर। नहीं, हनुमान को तो मेरा एक विशेष आज्ञाकारी दास मारेगा। केसरी, पिताश्री, ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। अब लगा धक्का तुम्हें? तुम्हारे पिताश्री मेरे अधीन है अब, मेरे आज्ञाकारी दास। और अब देखना कैसे तुम भी मेरी आज्ञा मानते हो। पंचफन, अब सुनो, तुम्हारी देह पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु विष देह के भीतर चला गया तू। अग्नि से अप्रभावित रहते हो तुम, किंतु जब लावा देह के भीतर गया था तब तुम पर लावा का प्रभाव तो पड़ा ही था।
है ना तिवल? बलबला बलबल। अब तुम अपने पिताश्री के हाथों पियोगे ये विष। मेरा युगों पुराना विष, ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। पिताश्री भी पंचफन के विष के प्रभाव में आ गए। अतिबल, तुम तो बता रहे थे कि हनुमान अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, किंतु ये तो अपने पिता की आज्ञा ही नहीं मान रहा। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। अब अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव ने सृष्टि की रक्षा हेतु किया था विष का पान। पिता के सिर विष अधीन है, नहीं है अपने पुत्र का भान। हनुमत है आज्ञाकारी विष, पी कर रखते पिता का मान। प्रजा और पिता की रक्षा को कटिबद्ध महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ, हे प्रभु, सुमेरु के सभी वासियों की रक्षा कर। अब तुम पीछे हट जाओ केसरी, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ।
अब तुम्हारी वरदानी शक्तियां भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान, अंत होगा तुम्हारे पिताश्री का, अंत होगा सारे सुमेरु वासियों का, विनाश, महाविनाश। मेरे दासों जाओ, विनाश कर दो सबका, अंत कर दो सबका, हाहाकार मचा दो पूरे सुमेरु में। मैं पंचपन को ऐसा नहीं करने दूंगा। चूक गए, पुनः मारो। किस पर हाथ उठाओगे, किस पर प्रहार करोगे, मुझ पर या अपने पिताश्री पर? तुम कुछ नहीं कर पाओगे हनुमान, मेरा विष तुम्हारे प्राण हर लेगा। यहाँ तुम मरोगे और वहां तुम्हारे राजभवन में मेरे दास उसी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी नानी को मारेंगे, तुम्हारी माँ को भी मार डालेंगे, कोई नहीं बचेगा राजभवन में। हनुमान, एक बार तुमने मुझे परास्त किया था, किंतु अंतिम विजय तो मेरी ही होगी। महारानी जी, विशाख नगरवासी भवन की ओर आ रहे हैं। तुम सब दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कर दो। जी महारानी जी। प्रभु, इस संकट को हरो, मेरे स्वामी सकुशल और हनुमान पुत्र विजयी हो। बस हनुमान, कुछ अंतिम पल बचे हैं, अपने माता पिता का स्मरण कर लो। कर लो, कर लो। माता पिता की सीख को हनुमान करते हैं ध्यान, इच्छा शक्ति का संचय कर विष को लिया हनुमत ने नाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। कहाँ छुप गए पंचभान? सामने आकर सामना करो। असीम मायावी शक्ति प्राप्त हो चुकी है इन मणियों से। अब मानव रूप में ही तुम्हारा सामना करूंगा हनुमान। आ रहा हूं मैं। मैं
मेरे दास हो, आक्रमण कर दो हनुमान पर। मैं इन्हें क्षति भी नहीं पहुंचा सकता और इन्हें रोकना भी आवश्यक है। कल ही मुझे कुछ करना होगा। ये क्या कर रहा है हनुमान? मैं इन्हें लता से बांध देता हूँ। ये लता? फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या क्या कर रहा है इससे? महारानी जी, वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। जाओ, तुम सब जाकर छुप जाओ। हाँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। पीछे से वार करता है कायर। पीछे से वार करने वाले एक योद्धा को ये शोभा नहीं देता। फिर लुप्त हो गया ये। अब तू कहीं भी छुप ले, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। बलबला बलबल, मणियों में ही कुछ है जो पंचपन की सहायता कर रहा है। इसके पंचपन से निकले हुए पांच भिन्न प्रकार के विष का रंग और इन पांच मणियों का रंग समान है। इसका अर्थ है कि इस पंचफन के हर एक फन का संबंध एक मणि से है। इन्हें नष्ट कर दूं तो? Thank you.
तुझे दंड दूंगा हनुमान, मेरे दासों। हनुमान के पिता केसरी का अंत कर डालो, मार डालो इसे। पिताश्री, अपने पिताश्री को बचाने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, अंत करना होगा मेरा, सामना करना होगा मेरा, तब तुम उन तक पहुंच पाओगे हनुमान। ये तो पिताश्री के समीप पहुंच रहे हैं, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। से सर बन गया। ये मणिया, देखता हूँ क्या होता है। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए मां। पंचपन की पांच मणियां, तो ये मणियां ही है इसकी शक्ति का रहस्य। लगता है इसके प्राण भी इन पांच मणियों में ही बसे हैं। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, बुद्धि के हैं ये भंडार, बुद्धि की शक्ति से करते पंचपन की मणियों परवार। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय महाबली हनुमान। पंचपन, तुम्हारी ये मणियां तुम्हें अब कोई शक्ति नहीं दे पाएंगी। पंचपन,
इन 5 मणियों के साथ ही तुम्हारा अंत होगा। अब केवल तुम्हारी अंतिम मणि ही बची है पंचफन। इसके समाप्त होते ही तुम भी समाप्त हो जाओगे। हनुमान, आंखों के समक्ष अपने पुत्र को मरते हुए देख सकती है। हनुमान, अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। हनुमान, आपने मेरे पुत्र को क्षमा ही नहीं किया, अपितु उसे अपने देह का आभूषण भी बनाया है। ये माँ आपको आशीर्वाद देती है, आपकी सदा विजय होगी। हे भुजंग भूषण, आपके रुद्रांश ने तो आपके समान ही नाग को धारण कर लिया है। नाग मेखला अवतार धारण कर लिया है हनुमान ने। युवराज हनुमान, मेरे पुत्र पंचफन को आपने अपने देह पे धारण करके नाग मेखला रूप धारण किया है। ये माँ आपके कृतज्ञ है। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ
कि आपके इस नाग मेखला स्वरूप को जो भी स्मरण करेगा उसे कोई भी सर्प बाधा कभी नहीं आएगी। पंचपन, तुम्हारी माँ की ममता ने तुम्हें रक्षित किया है। उनका वचन निभाने के लिए तुम्हें अपने राक्षसी वृत्ति को त्याग देना होगा। त्याग करके सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। हनुमान, आपके स्पर्श मात्र से ही मेरे पुत्र में परिवर्तन आ गया है। ये माँ आपको शत शत नमन करती है। मेरा भी नमन स्वीकार कीजिए हनुमान। जिन पिता की आज्ञा से मैंने विष पी लिया था उन पिता ने मुझे एक सीख भी दी थी कि बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है। जो अच्छे होते हैं उनसे तो सब अच्छा व्यवहार करते ही हैं, किंतु जो बुरे होते हैं उनसे अच्छाई करो तो वो भी अच्छे बन जाते हैं। पिताश्री के साथ साथ सभी स्वस्थ हो गए। पिताश्री, हनुमान, आप जो सोच रहे हो वो सत्य है। ये सब विष का ही दुष्प्रभाव है। मैंने इसे समझाया था कि तुम्हारे विष का परिणाम बहुत ही भयानक होगा। तुम अपने विष का प्रयोग केवल अपने प्राण बचाने में करना, परंतु ये नहीं समझा। ये सब इसी का परिणाम है जो आज सभी के प्राण संकट में आ गए हैं। हाँ,
मेरे ही विष से ये सब विषाक्त हुए, किंतु बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं इन्हें इस विष के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकता। ये सब किसी पर अपने विष का प्रभाव तो नहीं डाल सकेंगे, किंतु जो विष इनके भीतर गया है वो इनके प्राण हर लेगा। बस कुछ समय और ये जीवित रहेंगे। कि यही दशा रही तो अनर्थ हो जाएगा। किससे उपचार कराऊं इनका? ये सब ऐसे ही संकट में पड़े हुए। किंतु कोई तो उपचार होगा इनका। बोलो पंचपन, कोई तो उपचार होगा। क्या हुआ पंचपन, बता क्यों नहीं रहे हो? क्या है कोई उपाय? हाँ, उपाय तो है। किंतु ना होने के समान दैत्य गुरु शुक्राचार्य वही इस विष का उपचार अपने संजीवनी विद्या से कर सकते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो असुरों और देवताओं के गुरु हैं। वो किसी भी परिस्थिति में इनका उपचार नहीं करेंगे। कोई अन्य उपाय भी तो होगा। कैसे अपने पिता को सकुशल अपने साथ ले जा पाऊंगा? कैसे सभी सुमेरु वासियों की रक्षा कर अपना युवराज धर्म निभाऊंगा? हे प्रभु, हे भोले बाबा, कोई तो उपाय होगा जिससे मैं इन्हें स्वस्थ कर पाऊं। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। आयुष्मान भव। इस विष का एक उपाय है हनुमान। ये उपाय है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप? किंतु वहां जाकर लौटना तो असंभव है। किंतु सब बहुत
निर्बल लग रहे हैं, जैसे इनकी देह शक्तिहीन हो गई हो। हनुमान और महाराज ना जाने कहाँ हैं, क्या हुआ होगा उनके साथ। इस विष का एक उपाय है हनुमान, ये उपाय है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप, किंतु वहां जाकर लौटना तो असंभव है। लौटना क्या, वहां तो जाना ही बहुत दुर्गम है। सत्य कहा तुमने पंचफन, किंतु निष्पाप बालक ब्रह्मचारी व त्रिदेव ही वहां जा सकते हैं। तब तो मैं अवश्य जाऊंगा वहां। कहां स्थित है प्रवाल द्वीप? यहां से दक्षिण पूर्व में 100 योजन की दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप, जहां पर लाल रंग का विषैली करणीय पुष्प पाया जाता है, उसी से इन सब का उपचार हो सकता है। किंतु इसमें तो अधिक समय लग जाएगा, जबकि सूर्यास्त होने से पहले यदि इन सब का उपचार नहीं हुआ तो इनमें से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। प्रवाल द्वीप की रक्षा एक ब्रह्म राक्षस करता है, वहां जाकर कोई वापस नहीं लौटा है। मेरे लिए एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। अभी वहां जाता हूं, आज्ञा दें गुरुदेव। जाओ वत्स, वहां से चमत्कारी पुष्प लेकर आओ। पुत्र हनुमान, सावधानी और धैर्य से कार्य लेना। पुत्र हनुमान, हनुमान आप अपना ध्यान रखना, इन सब पे तो मेरे पुत्र ने मात्र अपने विष का छिड़काव ही किया है, पर आपने तो विष का पान किया है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप दोनों इन गांव वालों का ध्यान रखिए, मैं अभी प्रवाल द्वीप से होकर आता हूँ। प्रणाम। हनुमान, महाराज केसरी और सबको लेकर मैं सुमेरु जाता हूँ, वहीं इनकी उचित देखभाल हो पाएगी। प्रणाम पिताश्री। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे पुत्र। हनुमान, सूर्यास्त से पहले ही लौटाना, अन्यथा इनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। अब इन सबका जीवन तुम्हारे हाथों में है। अवश्य। संपत्ति और विपत्ति दोनों ही नश्वर हैं, स्वप्न के समान क्षणिक, किंतु दोनों ही कर्म के अधीन है। जिस प्रकार उचित दिशा में कर्म करने से संपत्ति के सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार उचित दिशा में प्रयास करने से विपत्ति के दुख को भी दूर किया जा सकता है। हनुमान के समक्ष तो महाविपत्ति मुंह बाहे खड़ी थी, किंतु हनुमान बिना शिथिल हुए अपने कर्म पथ पर
निकल पड़े थे, क्योंकि कर्म से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और जो अपने कर्म को छोड़कर आलस्य का आवरण ओढ़कर निष्क्रिय पड़ा रहता है, वो अपने अनमोल जीवन को नष्ट तो करता ही है, दुर्गति को भी प्राप्त होता है। प्रतीत होता है कि विष के अंश मात्र का प्रभाव मेरे भीतर भी हुआ है। हनुमान, हनुमान, ये हनुमान को क्या हो गया? यहां से निकला भी, किंतु मुझसे मिलना तो दूर, इस और देखा तक नहीं। अवश्य ही कुछ अनहोनी हुई है। सुमेरु, सुमेरु में अवश्य ही कुछ हुआ है। अब तक तो सुमेरु का विनाश हो चुका होगा। आप यहाँ हंस रहे हैं मायासुर जी? वहाँ हनुमान पंचहन को परास्त करके उसे अपना मित्र बना लिया है, और अब उन सबको विष से मुक्ति दिलाने के लिए प्रबाल द्वीप जा रहा है। मायासुर, रोकना होगा उसे, जाइए और उसे रोकिए, ताकि वो विशल्यकर्णी पुष्प लेकर ना लौट सके। और यदि सूर्यास्त होने से पहले हनुमान को रोक लिया तो समस्त सुमेरु वासी और महाराज केसरी सब के सब मारे जाएंगे, और वो वानर बालक पूरी तरह से टूट जाएगा। बल बला बल बल, जाइए जाइए, रोकिए उसे। स्वामी, ये क्या हो गया है आपको? आप तो सुमेरु वासी नहीं है, कौन है आप? प्रणाम महारानी जी, मैं पंचफन हूं। पंचफन? वही मायावी नाग जिसके कारण सब विषाक्त हुए हैं। किंतु अब मुझे अपने भूल का आभास हो चुका है। आप सब भयभीत मत होइए, ये सब शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। युवराज हनुमान प्रवालद्वीप गए हैं चमत्कारी विशल्यकर्णी पुष्प लाने, वो समय रहते पुष्प ले आए तो ये सब स्वस्थ हो जाएंगे। क्षमा कर दीजिए महारानी जी, मैं अपने किए पर लज्जित हूं। आशा है हनुमान समय रहते ही पुष्प ले आएंगे। हे प्रभु, हनुमान शीघ्र ही विशल्यकर्णी पुष्प लेकर लौट आए, कृपा करना भोलेनाथ।
और जाऊं। प्रवाल द्वीप ये है या वो? दोनों द्वीप तो एक ही समान दिख रहे हैं। किंतु अब कैसे ज्ञात होगा कि कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? क्या करूं? किससे पूछूं अब मैं? युवराज हनुमान, प्रणाम। आप यहाँ? आपके पिता महाराज केसरी कैसे हैं? पिताश्री अस्वस्थ हैं और उनके उपचार के लिए मुझे प्रवाल द्वीप से विषैले करनी पुष्प लाना है, किंतु मुझे ज्ञात ही नहीं कि प्रवाल द्वीप कहाँ है। वो द्वीप देख रहे हैं आप? वो द्वीप ही प्रवाल द्वीप है। धन्यवाद, प्रणाम। हमने तुम्हें उस मार्ग पर भेजा है जहां तुम्हें विशल्यकरणी पुष्प नहीं मृत्यु मिलेगी, भयानक मृत्यु। अभी भी असामान्य अवस्था में है महाराज। महाराज की दशा बिगड़ती जा रही है। उस भयानक विष के आगे हमारी कोई भी औषधि कार्य नहीं कर रही है महारानी जी। अचानक कहाँ पाएगा हनुमान विषैले करनी पुष्प लेकर? धीरज रखिए महारानी माँ, हनुमान आता ही होगा। हनुमान, हनुमान। देवगुरु बृहस्पति ने तो प्रवाल द्वीप भी बताया था कि यहीं पर ही विषैले करनी पुष्प मिलेगा, किंतु मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि विषैले करणी पुष्प कहाँ है। हनुमान, तुम प्रवाल द्वीप में ही हो ना? कोई और द्वीप में तो नहीं आ गए? हनुमान, सूर्यास्त से पहले ही आ जाना, अन्यथा इनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। समय तो बहुत ही कम है मेरे पास, सूर्यास्त होने में कुछ ही पहर शेष है। सूर्यास्त से पहले मैं ढूंढ ही लूंगा विषैले करनी पुष्प। मुझे अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ करनी होगी। कहाँ है ये लाल रंग का विषैलकरणी पुष्प?
ये भी लाल रंग के ही है। विषैले करनी पुष्प भी वहीं पर ही होंगे। ये तो वो पुष्प नहीं है जो देवगुरु ने बताए थे। महाराज अब नेत्र बंद मत करिए, आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तेज श्वास लीजिए। हाँ महाराज, आप साहस मत छोड़िए। महाराज पर विष का बहुत प्रभाव है, मुझे कोई आशा नहीं लग रही है। कहीं सुमेरु के लिए अमावस्या ना बन जाए आज की ये पूर्णिमा। राजवैद्य जी, आपका ऐसा कहना अनुचित है। वैद्य को अंतिम श्वास तक जीवन की आशा को नहीं त्यागना चाहिए। हनुमान आता ही होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर महाराज की बिगड़ती दशा, उधर हनुमान न जाने कहां उलझा होगा। और उस पर इंद्रदेव का बुलावा। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। हे भगवान, मुझे शक्ति और शांति प्रदान कीजिए। मेरा हनुमान आएगा, पिता और सबके लिए वो पुष्प लेकर आएगा। मुझे विश्वास है, मैं जाते जाते उसे अंतिम बार देखूंगी। मेरे पुत्र और सकुशल पति परमेश्वर को अंतिम बार। कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें। ये कैसी ध्वनि है। ए, कौन है तू। जल दैत्यों के मुखिया जलासुर के क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गया तू। जलासुर, जलदैत्यों के मुखिया। मेरे प्रिय महाबली जलदैत्यों, बाहर आओ। ये देखो, ये बालक छोटा सा कोमल देह वाला। क्यों इस प्रकार घेर रहे हैं मुझे, क्या चाहते हैं आप सब। हम तुझे चाहते हैं, तुझे खाने में आनंद आएगा। ले चलते इसे। परिश्रम कर रहे हैं आप सब।
कम समय शेष है सूर्यास्त होने में और ये सब मेरा मार्ग रोक रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।